आज शनिवार के दिन हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलती है। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, इसकी रेसिपी बहुत ज्यादा मजेदार होती है। सबसे पहले आपके पास गाड़ी की चाबी होनी चाहिए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अनलॉक का बटन प्रेस करना है, गाड़ी के लॉक खुल जाएंगे। इतना सा काम आपने करना, बाकी काम बाद की। स्टेप नंबर टू, आपने दरवाजा खोलना। स्टेप नंबर थ्री, आपने अंदर बैठना, बाकी बातें आपको बताता हूँ मैं बाद में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इस बाइक को भी चेक करवाएंगे कि कैसे गाड़ी चलाई। इससे पहले इसने सिर्फ मैनुअल गाड़ी चलाई है, वो भी यहाँ से लेके वहां तक, बस इससे ज्यादा नहीं इसने चलाई। लेकिन आज ये वाली ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला के आपको दिखाएगा। जीरो मीटर बंदा है, इसको कुछ पता नहीं कैसे बैठते हैं अंदर, कैसे चलाते हैं, लेकिन आज ये आपको चला के भी दिखाएगा। और भगा के दिखाओगे कि नहीं? नहीं भगा के नहीं दिखाएगा, सिर्फ चला के दिखाएगा। यहाँ पे साइड पे जहाँ पे भी गाड़ी की चाबी लगती है वहां पे आपने लगानी है ये लगी चाबी। अब सीन क्या है, आपको स्टार्ट करने से पहले आपने थोड़ी सी चीजें समझ लेनी है। सबसे पहले यार ये सीट बेल्ट लगा लेना, बाद में आप लोग कहते हो सीट बेल्ट नहीं लगाता हूँ मैं, मिस्त्री मार देते हैं मेरी, ये लग गया सीट बेल्ट। बाद में ऐसे करता रहना ट्राई की ठीक है कि नहीं। ये टोयोटा पासो है, तो इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर गियर लीवर ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है इस साइड पे, कुछ गाड़ियों का यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये खाली कचरा सिस्टम है। जैसे ये बीआर भी यहाँ पे खड़ी है, अभी इसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो चेक करो, इसका जो लीवर है ना वो ऐसे है, पी आर, मतलब सेम वही चीज है, लेकिन इसका यहाँ पे उसका हैंडल के पास है, इसकी हैंड ब्रेक भी वहाँ पे है, उसकी हैंड ब्रेक वहाँ पे, तो ये सेम चीज है, सेम चीज है, लेकिन बस ना चीजें इधर उधर है। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। हम ऊपर वाले चार पे आते जो कि इसका मेन फीचर है, वो क्या है जी, पार्किंग है सबसे ऊपर, पी से पार्किंग, आर से रिवर्स, न्यूट्रल है, एन से न्यूट्रल है, उसमें कोई गेट नहीं है। पार्किंग में ये है कि अभी ये पार्किंग में खड़ी, आपको दिखाता हूँ अभी। जब आप डी पे कर दोगे ना तो ये चलने लग जाएगी, आगे को चलेगी, सीधा चलेगी, इधर को जाएगी। और अगर आप आर पे कर दोगे तो ये पीछे को जाएगी। नीचे इसकी जो सिर्फ रेस है और ब्रेक है, ये रेस ये ब्रेक, हमने इस पाओ को यूज नहीं करना, ये पाओ किसी काम का नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये ब्रेक के लिए लगाना आपने, नहीं, यही रेस के लिए, यही ब्रेक के लिए। ये साइड पे जो आपको नजर आ रही है ये इसकी बेसिकली हैंड ब्रेक यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, तो ये इमरजेंसी ब्रेक है बेसिकली, हैंड ब्रेक इसको कह लो ना। इसको जब मैं ऐसे प्रेस कर दूंगा, ये चेक करना, ये वाली लाइट ना ब्लिंक नहीं, ये जो हैंड ब्रेक वाली होती है, इसको मैं करके प्रेस कर दिया, हैंड ब्रेक लग गया, वो देखो यहाँ पे ना लाइट पे चल गई है। ये मैं फिर से प्रेस करूंगा, हैंड ब्रेक खत्म, सिर्फ रेस और ब्रेक, गियर वाला सिस्टम खत्म। तो फिर किस बात की टेंशन है भैया, काहे को डरते हो इसको चलाने को, मतलब इजी है यार। और सिंपल चीज ये है कि आप जितना चलाते जाओगे ना आपको उतनी आती जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं, ये होगी स्टार्ट। अभी इसको आपने ऊपर जो बटन है इसको प्रेस करना है, ये ऐसे करके ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये ऐसे ना फुल ऊपर नीचे इस तरह जाता है, ये इस तरह ऊपर नीचे जा रहा है, ये देखो ये ऊपर, ये फुल नीचे, ये फुल ऊपर। अभी हमने क्या करना है कि अगर हमने रिवर्स जाना है तो मैंने इसको आर पे करके, ऐसे आर पे करके, ऐसे मैं करके छोड़ दूंगा, ब्रेक मैंने प्रेस करके रखी हुई है। उसकी रीजन ये है कि अगर इसको मैं छोड़ूंगा ना, ये खुद ही ना हल्का हल्का सा ना मूव करने लग जाएगी। जैसे कि अभी मैं ब्रेक छोड़ूंगा, ये चेक करना, ये देखो ये खुद ही ना मूव करने जा रही है गाड़ी ना, हल्की हल्की स्लोली स्लोली मूव करी जा रही है, इतना उसने करते रहना। अगर इसको मैन पे करता हूँ, ये इसको मैंने एन पे कर दिया, अब इसका मतलब ये है कि इसने ना आगे को हिलना ना इसने पीछे को हिलना, ये न्यूट्रल पे चलेगा, इसने कहीं को नहीं जाना, मतलब इसमें हमने गियर कोई नहीं डाला हुआ, ये समझ लो। चार्ज अगर मैनुअल चलाते हो तो उसके लिए ये इस बटन को मैंने फिर से प्रेस करना और मैंने नीचे को जाना, ये मैं चला गया डी पे। अब भी मैंने ब्रेक प्रेस करके रखी हुई है ताकि ये मूव ना करने लग जाए, जैसे मैं ब्रेक छोड़ दूंगा ना हल्की हल्की सी ये मूव करने लग जाएगी, ये चेक करना। ये मैं ब्रेक छोड़ दिया, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लग गया, ये चेक करो। इसने इस स्पीड पे ना तकरीबन कोई कह लो 10 की स्पीड पे ना इसने आराम से चलते जाना, मैं कुछ भी नहीं प्रेस करूंगा। आपने सिर्फ मेन इसका जो काम होता है ऑटोमेटिक का, आपने सिर्फ हैंडलिंग करनी, इधर देखते रहना भाई ध्यान से, जरा थोड़ा सा ना, इतना नहीं कि हमें ये ना 5 की स्पीड आप देखो इसने इसी तरह ना मूव करते रहना, जितनी देर तक मर्जी आप इसको छोड़ो। अभी मैं इसकी रेस प्रेस करूंगा तो ये थोड़ी सी भागेगी, ये मैंने रेस प्रेस की है, ये रेस चेक करो, ये इस तरह ना भागेगी। फिर आगे आपका काम है इसको हैंडलिंग करना, ये करना, इस तरह करना, ये सारा काम आपका है, ये हम जा रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता कि हॉर्न कैसे बजाते हैं तो भाई जान आपने हैंडल के ऊपर ये बना हुआ है, ऐसे करना हॉर्न बज गया, छोड़ो इस बात, बिस्तरी हो जानी है मेरी बात। अच्छा तो इस तरह ना हमने अपने जाती है, कोई इसमें गियर वाला चक्कर ही खत्म हो गया ना, मतलब खत्म, सारा कुछ खत्म। जैसे अगर रोड टूटा हुआ आ गया तो मैंने रेस छोड़ दिया, थोड़ी सी ब्रेक लगा ली है, और ऐसे मैंने आराम से इस तरह जाने दूंगा, कुछ नहीं मैंने कह रहा, रेस भी छोड़ दिया, ऐसी स्पीड पे ना मैंने जाने दूंगा। अगर ज्यादा कोई बड़ा आ जाता है सिस्टम तो हम क्या करेंगे, हम हल्की हल्की से ना ब्रेक लगा लेंगे ताकि जरा आराम से मूव करे, वो भी आपको कहीं दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, ऐसे ऐसे बस घुमाते हैं जाना, जहाँ को दिल करता है हल्का हल्का सा, पीछे देख लेना आपने, इस मिरर में भी देख लेना, और साइड में भी क्या सिस्टम आ रहा है क्या जा रहा है, ये चीजें आपने देख लेनी है, बाकी कोई चक्कर नहीं, सामने फोकस रखना है, बस इतनी सी बात थी कि हमें तुमसे प्यार है। तो फिर सब्सक्राइब काहे को नहीं करते यार। अभी आपको थोड़ी सी स्पीडोमीटर लगा के दिखाता हूँ मैं, ये भी भागती है यार, ऐसा नहीं है कि मैनुअल भागती है, ये नहीं भागती, ये भी पूरा चक्कर है इसकी भी, अच्छी वाली स्पीड है इसकी यार। तो रेस पे पाऊंगा मेरा, अभी मैंने ब्रेक लगानी है तो मैंने इसी को उठा के लगानी है, इसको मैंने साइड पे किया, इसको रेस्ट पे देना है आपने। अब यहाँ से ना हम लेफ्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको ना टूटा हुआ रोड दिखाता हूँ, लेफ्ट इंडिकेटर देने, इंडिकेटर देने तो आते हैं ना यार, ऊपर करूंगा तो लेफ्ट का इंडिकेटर, नीचे करूंगा तो राइट का इंडिकेटर, इसको ऐसे करके घुमाऊंगा ना तो हेडलाइट चल जाएगी। अभी हल्की चली है, नीचे वाली चली है, अभी मैं ऊपर करूंगा तो फुल तेज वाली हेडलाइट चल जाएगी, तो बस इसका इतना काम है, बाकी आपने चीजें नहीं ज्यादा छेड़नी, गाने शाने तो लगाने आते हैं बस।
काफी है इतना। जिधर मर्जी को घुमाओ, वो आगे हमें लड़का के गई है, क्या हो भाई हमारे पीछे, थोड़ा घुमा ना ले इसके पीछे। ये देखो अभी खड्डे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ब्रेक लगानी है, ये खड्डा आ गया, मैं ब्रेक लगाऊंगा थोड़ी सी, फिर मैं ऐसे रेस दूंगा, ऐसा घुमाऊंगा, फिर और आ गया, फिर रेस, फिर ब्रेक। ये अपना खेल है यार, ये आप जितना चलाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी। अभी आल्टो को थोड़ा सा हम क्रॉस करते हैं, मेरा दिल कर रहा है। आपने कब बचाना है, जहाँ से भी बचाना है, आपकी मर्जी है, आपका मूड है कि भाई हमने खड्डे पे भी स्पीड नहीं स्लो करनी, ना करो यार, कोई मसला नहीं है, चलाओ वहाँ पे भी भगाओ, आपकी मर्जी है यार। बेहतर ये है कि स्लो चलाओ, आराम से चलाओ, प्यार से चलाओ, मोहब्बत से चलाओ। और आल्टो वालों को एक दफा क्रॉस करना है, उसके बाद मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी होनी है। आल्टो वाले बाबू मेरा गाना चला ये जी, हमने मिशन सक्सेसफुल कर लिया। बस भाई अब आल्टो वाला जहाँ मर्जी जाए, वो बाइक आ रही है, मुझे पता ब्रेक लगानी है मुझे, मैं यहाँ पे जाके ना पास आके रोड भी टूटा हुआ, मैं ब्रेक लगा लूंगा। किसकी ना बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसको कैसे चलाते हैं, मैनुअल का फिर भी ना रोले आए, यहाँ को गियर लगाओ, वहाँ को गियर लगाओ, ये वो लगाओ ना, ये वाला सिस्टम है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है किधर को गियर लगाना है किधर को गियर नहीं लगाना, इजी सीन है। अभी सीन क्या कि जो हमारे कैमरा मैन है, इन्होंने आज से पहले सिर्फ एक दफा जिंदगी में गाड़ी चलाई है, वो भी मैंने इसको मैनुअल थोड़ी सी मेहरान सिखाई थी, इधर से लेकर उधर तक गया होना, इससे ज्यादा नहीं है क्या। तो अभी मैं इसको ये वाली गाड़ी देता हूँ, ये चलाएगा, और आप देखोगे एक ऐसा बंदा जिसने आज तक कभी ऑटो गाड़ी में बैठा नहीं है वो गाड़ी चलाएगा। भाई प्लीज साहब शिफ्टिंग मारो। जी हमारा बंदा आ गया, गाड़ी बंद कर। ये बिल्कुल गाड़ी शांत हो गई अपनी, फुल ना जीरो कंडीशन पे आ गया, अब ये जीरो से हमें लेके जाएगा हीरो। गाड़ी स्टार्ट करने आती है ना, हाँ तो करो जहाँ पे लगे ना, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है, बस गाड़ी स्टार्ट है, वो चेक करोगे आप, वो पी पे है, पी पे लाइट चल रही है, तो अभी इसको प्रेस करना है। अब इसको ना नीचे लेके आ, नीचे इतना नहीं देखना कहाँ पे लेके जाना हमने, अरे ब्रेक ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा के रखना, ब्रेक पे पॉन रखना जब ये शिफ्टिंग कर रहा हो, ब्रेक ब्रेक से नहीं पॉन उठाना, जब ये शिफ्टिंग कर रहे हो ना ब्रेक पे पॉन रखना, क्योंकि कोई पता नहीं तुम किधर को लगा दो, हमें सीधा जान, तो हम कहाँ पे करेंगे, डी पे, कहाँ पे, डी पे, इसको छोड़ दे, ब्रेक पे पॉन रखना अभी भी, इसको छोड़ दिया, डी पे चला गया वो, कोई चक्कर नहीं, वो चेक करो डी पे चला गया, पीछे चेक कर एक दफा, पीछे कोई आ रहा है, पीछे वो आपने साइड मिरर चेक कर लेना कोई आ रहा है, आपने ये वाले मिरर पे चेक कर लेना कोई पीछे साथ तो नहीं रहा, फिर आराम से ना, क्योंकि हमने रोड पे चढ़ना भी, ये अपना पोंछ को साइड पे कर दे, ये छोड़ दिया ब्रेक टोटल नहीं, ऐसे आराम से जाने, इसने ब्रेक छोड़ दिया, दोनों पोंछ के पीछे है, इतनी इतनी स्पीड पे ना गाड़ी जा रही है, ये चेक कर। अभी ये आपका काम है, इसमें जो आपका मेन काम है वो ये है कि आपने हैंडलिंग करनी, जो बंदा बाइक वगैरह पहले साइकिल वगैरह चलाता है उसके लिए वैसे इजी सीन है, उसको पता कहां से मतलब ये वो करना सीन, जो किसी ने कुछ चलाया नहीं उसके लिए भी इजी सीन है, ये घबराने नहीं है इसमें बाबू भैया, इसमें घबराना नहीं है, ये चेक करो आराम से जा रहा बंदा, रेस पे नहीं पो रख रहा क्योंकि जरूरत नहीं है इसको रखने की, पीछे से देखना भाई, ये नहीं ऐसा हो कि उधर से गाड़ी आ रही है तो उधर को कर दे, ये पीछे से ध्यान भी रखना, इधर से रोड खाली है सारी, थोड़ा सा इधर रख गाड़ी ना, वो पीछे बाइक आ रही है वो भी आपने ध्यान रखना, ये आपके काम है सारे, ये चेक करो गाड़ी चल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है ये ना, ये इधर भी आ जाए तो मैं इसको टेस्ट लगा सकता हूं, मैं इधर बैठ के भी चला सकता हूं, यही तो सीन ऑटो का ना। अब तू ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी रेस, हल्की हल्की सी आए सारी, ये रेस दे रहा है, गाड़ी की स्पीड ऊपर जाती जा रही है थोड़ी थोड़ी, हैंडलिंग कर, हैंडलिंग जब ब्रेक ब्रेक मारनी है ना, वो अब वो देखा गया रोड टूटा हुआ है, थोड़ी सी ब्रेक मार, ब्रेक आराम से मार, अगर ट्रैक्टर आ रहा ध्यान से पीछे मोटरसाइकिल देख के जाने दे आराम से, आराम से अभी क्रॉसिंग करके इधर कर साइड पे, और ब्रेक लगा थोड़ी सी, हाँ क्रॉसिंग करके साइड पे कर, ये खड्डा आ रहा ध्यान से, जोर से नहीं ब्रेक मारनी, आराम से ब्रेक मारनी, आराम से, जिस तरह बाइक एकदम से थोड़ी मारते हो, आराम से आराम से, समझ के जीटी वाई सिटी चला रहे हो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, अगर नर्वस हो जाओगे ना तो वहां पे काम खराब है, नर्वस नहीं बस होना, आराम से बस जाने दो, ये देखो कैसे सीन चल रही है गाड़ी, ट्रैफिक भी जा रही है हल्की हल्की सी, ये देखो अभी पता था थोड़ा सीन, तो उसको स्लो करो ना गाड़ी को, ऊपर देखे आप मेन रोड पे ऊपर ना करना, ऊपर अपनी साइड पे रह, ये हमारी साइड है, इस साइड पे रहना, तुमने खड्डा आता है तो यहाँ पे ब्रेक मारो, वहां पे जाके नहीं चले जाना, आगे देखना वो कितना बड़ा है, हल्की सी ब्रेक लगा, इसके अंदर से आराम से निकाल, आगे फिर रोड बड़ा आ रहा है उसके अंदर से भी आराम से निकाल, थोड़ी सी रेस दे, फिर ब्रेक लगा थोड़ी सी, ये भाई चेक करो बंदा आपके सामने, हमने डैडी कर दी, 0 मीटर बंदा था, इसको 0 से हम एटलीस्ट 30 पे ले गए, टायर के पास जाके ना रोक इसको, चल भाई आहिस्ता 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 अंदर कर थोड़ी सी, अब थोड़ी सी बाहर निकाल, ऐसे करके पार्किंग पे लगा, ब्रेक लगा इसको, अब पार्किंग पे लगा इसको ना, पार्किंग पे कैसे लगानी है, हाँ कहाँ पे लगाया इसको, कहाँ पे किया है, पार्किंग मतलब क्या है, हाँ जी भाई बच्चा सीख गया, तो जब बच्चा सीख गया तो आप क्यों नहीं सीख सकते यार, ये दरवाजा जब भी खोलना पीछे देख के खोलना, ऐसा ना उधर देखो गाड़ियां आ रही हैं तो ध्यान से देख के दरवाजा खोलना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मेरा हक नहीं बनता आपको बताना, समझ रहे हो, बोनस में दे रहा हूँ ये चीजें, फिर ना कहना, हमें कह रहा सीट बेल्ट, तू सीट बेल्ट नहीं पहनना, सबसे पहले मैंने बोला था सीट बेल्ट पहनना, बच्चे आजकल बड़े खराब है यार, क्या करें, हम भी माननी पड़ती है, सीट बेल्ट पहन लिया करो यार, होता कुछ नहीं है वैसे, जिसने बचना होता बच जाता होता, बचने वाला ही बचता है, आंखें बंद करके 1 2 3 ये मेरा डीपी पहुंच गया जी, मैं ऐसे घुमाऊंगा थोड़ी सी रेस थी ऐसे, इधर से मैं स्पीड में भी जा सकता हूँ मेरी मर्जी, दूसरा गेट लगा, तीसरा गेट लगा, सारा सिस्टम खत्म, ये देखो बस आ रही है तो बस से डरना नहीं है, थोड़ी सी गाड़ी साइड पे लगा लेनी है बस, ऐसा ना हो के भाई
ये नहीं देखते आगे देखो कितनी रोड खराब है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक लगाऊंगा। अगर नहीं मेरा दिल ब्रेक लगाने का कोई मसला नहीं, नहीं लगाऊंगा। आपके दिल पे डिपेंड करता है यार, आपके दिल पे डिपेंड करता है। आपका दिल कर रहा है ब्रेक लगाने की, लगाओ। नहीं दिल कर रहा ना लगाओ, कोई टेंशन नहीं। किसी की बातों में नहीं आना। ये चाहो यहाँ पैसे कमाओ, यहाँ पैसे वापस ले आओ, यहाँ पे इस तरह करो। ये खड्डा इसके मैं साइडों से निकाल दिया है, आगे वाला खड्डा इसके मैंने साइडों से निकाल दिया, इस वाले खड्डे इसमें दरमियान से निकाल दिया। अब आगे वाला नहीं निकल रहा, इसको मैंने बिल्कुल इधर से घुमा के फिर यहाँ पे कर दिया। ये वाला खड्डा इसको मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूँ, थोड़ी सी रेस दे रहा हूँ, इसको मैंने इस तरह कर दिया। ये मैं स्पीड में जा रहा हूँ, अभी इतनी स्लो नहीं जा रहा हूँ। ये चेक करो, खड्डों में से जा रहा हूँ स्पीड में। क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ टायर को ना, ताकि जरा आराम से गुजर जाए गाड़ी। ये चेक करो, आगे बहन से आ रही है। इनसे आपको बचना पड़ेगा, हम आपको हर सिचुएशन में डाल रहे हैं अभी इस टाइप ना। इनसे आपको बचना पड़ेगा, इनको नहीं समझ आया थोड़ी सी भी ना, अभी इनसे बचना पड़ेगा। ये साइड पे, साइड पे, साइड पे, थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे खुद इंसानों की तरह। ये बस इधर से भी निकल गए, हर मुश्किल से हम निकल रहे हैं। काफी इजी है चलाना, चलाना इसको इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है भाई। कह रहा काफी ज्यादा इजी है ये मोटरसाइकिल चलाना, ये वाली गाड़ी चलाना। तो वाकई में ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इसको चलाना ऐसे है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो। इसका दिल कर रहा था भी रेस दूं मैं, लेकिन इसका पास नहीं चलने दे रहा था मैं, क्योंकि फिर मैं पढ़ा हूँ ना, फिर वो थोड़ा सा रोब चबाता हूँ मैं। एक हाथ से चलाओ, दो हाथ से दिल कर रहा, दो हाथ से चलाओ, दिल ही नहीं कर रहा ना चलाओ। ये जब बंदा थोड़ा सा चला लेता है फिर उसको हो जाता है। ऐसे टेस्ला चलानी है फिर टेस्ला भी चलाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से ये जाएगी। थोड़ा सारा सीधा करते रहना आपने और ब्रेक भी आपने एकदम से नहीं लगानी है। अभी पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा, बल्कि ये चेक करना, मैं एकदम से ब्रेक लगाऊंगा अभी। तो ब्रेक ऐसे जोर से ऐसे करके प्रेस कर दूंगी। ये चेक की है, वो चेक करो वहां से डस्ट कितनी उड़ी, वो चेक करो, पूरे टायर सारे स्लिप करेंगे। ऐसे ही होएगा जैसे पता नहीं क्या होगा। एकदम से ब्रेक नहीं लगानी है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं अपने आराम से ब्रेक ऐसे प्रेस करके रखनी है, ऑटोमेटिकली लगती जाएगी, स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। बस एकदम से पों ऐसे मारोगे तो फिर ये भी होगा जो आपको मैंने दिखाया है। और मैनुअल हो या ऑटो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो सीन करना वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी। कोई खुले एरिया पे जाओ, वहां पे प्रैक्टिस करो, वहां पे रिवर्स करो, वहां पे आगे करो, वहां पे पीछे करो। और इसका ज्यादा मजा तब आता है जब ना ट्रैफिक हो, ट्रैफिक में आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, तब पता चलता है ऑटो की अहमियत का। अभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए आपने क्या करना है, आपने थोड़ा थोड़ा पीछे रहना, जब आपको जगह मिले आपने क्रॉसिंग कर लेनी। इतनी सी बात है, ये मैंने इंडिकेटर दे दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो पीछे वालों को ताकि पता चल जाए कि भाई बंदा बाहर निकल रहा है। अगर इससे मोटरसाइकिल आ रहा फिर मैं इंडिकेटर दे के अंदर हो जाता हूँ, यहाँ पे अंदर हो गया, फिर अब फिर मैं इंडिकेटर दे के बाहर हो जाता हूँ। ये चेक करो, अगर फिर मैं इंडिकेटर दे के अंदर हो जाता हूँ। ये थोड़े से इंडिकेटर का भी काम है अपने साथ साथ लेना, अगर इस तरह की ना क्रॉसिंग कर रहे हो तो, ताकि पीछे वालों को भी पता हो बंदा बाहर निकल रहा है और आगे वाले को पता हो कि बंदा बाहर निकल चुका है। जिसने वलीद ने थोड़ी सी चलाई है ना, अब अगर वलीद सारा दिन चलाता रहता है, इसको वलीद एक दिन में सीख सकता है। ये एक दिन की चीजें हैं सारी ना, बाकी प्रैक्टिस है आपकी। जितनी दफा चलाओगे आप बंद करोगे ऑन करोगे, सिचुएशन में अपने आप को डालोगे, कहीं मुश्किल जगह से जाओगे, कहीं आसानी जगह से जाओगे, आपको खुद ही ना चलाने आ जाएगी। हाँ जी भाई, अब हम सर्विस करवाने लगे हैं तो इसमें हम डालते हैं यहाँ पे। कहाँ पे खड़ी करें जी, आपको पता पुलिस वाले सबको धो सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई कोई धो सकता है, ये लोग धो सकते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वालों को धोना हर बात हर बंदे की बस की बात नहीं है। लगता है आपको पता समझ आ गई है कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि हमारे वलीद को समझ आ गई। अगर वलीद को समझ आ गई है तो आपको भी समझ आनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। छुट्टी करो, जाकर प्रैक्टिस करो यार।